दोनों मुट्ठी बंद करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्रद्धेय योगी जी ने दोनों ने सूखे बुंदेलखंड को जो विशाल हृदय से हमको जो पानी दिया है उसके लिए दिल से अंतर मन से श्रद्धा के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके एक बार आपको जयकारा लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग यहां बैठे हैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं, मैं हमारे अतिथि के तौर पर यहां पर उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अपने जोधपुर को जहां के वो सांसद हैं वहां पर, अगर मैं आपको छोटी सी बात बता के शुरू करूंगा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जिस जोधपुर में राजस्थान में पानी की किल्लत होती थी आज वहां इतना पानी जोधपुर में है कि सैकड़ों की संख्या में पंप लगा करके जोधपुर में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी को बाहर बढ़ाया जाता है। ये सच्चाई है मित्रों, हमको केवल पानी मिल जाए, हम लोग पानीदार लोग हैं, उसको बिना बर्बाद किए एक एक बूंद की कीमत समझ करके हम उस काम को हम पूरा करने का काम करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी की, आज प्रधानमंत्री जी यहां से जाएंगे, हम सब जानते हैं बुंदेली धरा का इतिहास है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो हम लोग धैर्य के साथ कभी भी धैर्य के साथ काम करते हैं और कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं मानते हैं। ये ईमानदार सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, वो अपनी चिंता नहीं कर रही है, उनको केवल चिंता है कि हमारे देश के 130 करोड़ लोग इनकी कैसे बेहतरी हो। जहां पर ये सोचा जा रहा है एक एक खेत तक हमको पानी पहुंचाना है, एक एक घर के अंदर हमको नल पहुंचाना है, नल से पानी भेजने का काम करना है, और हमारी जो माताएं बहने जो उनका आधा समय कुएं से तालाब से सरोवर से पानी लाने में लगता था, आज हमारी माताएं बहने आज उनके घर में जब पानी आएगा आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरी आएगी, कितनी खुशहाली आएगी। मैं ये बात और आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर ये पानी पहले मिल गया होता कितने हमारे आज जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके पिता के पास शिक्षा के लिए पैसा होता वो आज अच्छी शिक्षा लेकर के कहीं अपना सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे होते। बहुत सी हमारे किसानों की, बड़े बड़े किसानों की बेटियां आर्थिक तंगी में बहुत अच्छे स्तर का रिश्ता नहीं कर पाए, वो उनकी बेटियों के हाथ अच्छे घरों में पीले होते। बहुत से लोग यहाँ से जो पलायन कर गए अपने बूढ़े माँ बाप को अपने गांव में छोड़ करके मजदूरी करने के लिए, उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, वो इस बुंदेलखंड में रहते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, जो सच्चाई है, हमारे बुंदेलखंड को पानी की आवश्यकता थी, जो पानी हमको हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, श्रद्धेय मोदी जी ने, श्रद्धेय योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए जो खजाना खोला है, दोनों हाथ से जो हम लोगों को पैसा देने का काम किया है, हमारे दोनों मंत्री आदरणीय भारत सरकार के श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय महेंद्र सिंह जी, रात दिन दौड़ा करके बुंदेलखंड के लिए जो किया है, मैं आप सभी लोगों से एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ उठा करके पूरे योगी जी, मोदी जी, योगी जी, हमारे केंद्र के और प्रदेश के मंत्री का जोरदार तरीके से उनका स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ, समय की मर्यादा है, मैं अपनी बात पूरी करता हूं।